और 1,80,000 करोड़ रुपया नरेगा में 3.5 गुना ज्यादा हमने दिया। आप धरना करती हो? जब आप मंत्री बनकर बैठी थी, मुख्यमंत्री बनकर सरकार का समर्थन कर रही थी, पैसा कम मिलता था। यूपीए सरकार ने 14,000 करोड़ रुपया दिया, मोदी जी ने 54,000 करोड़ रुपया देने का काम किया है। और नरेगा, ग्राम सड़क योजना, आवास योजना, आजीविका मिशन और नेशनल आजीविका मिशन में 1,80,000 करोड़ रुपया देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और नेशनल हाईवे के लिए टोटल 70,000 करोड़, लगभग 16,000 करोड़, रेलवे में बंदरगाह में 1,000 करोड़, सिंचाई के लिए 3,000 करोड़, कुल मिलाकर आपके 2,00,000 करोड़ के सामने भारतीय जनता पार्टी ने 8,00,000 करोड़ से ज्यादा रुपया देने का काम भारतीय जनता पार्टी। पर ममता दीदी, जितना गुमराह करना है कर लीजिए। गत चुनाव में तो रैगिंग कर आप जीत गई, फिर भी हमारी 77 सीटें आई, 77, कहां 0 कहां 77। और इस बार 26 में रैली देखकर मैं स्पष्टता से कहने जाता हूं कि 26 के चुनाव में 2/3 बहुमत के साथ यहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। मगर इसके पहले 24 का चुनाव आ रहा है, आपने 19 में 18 सीटें दी थी। मैं आप सभी को करबद्ध विनंती करने आया हूं, इतनी सीटें दीजिए कि मोदी जी को शपथ विधि के बाद कहना पड़े मैं बंगाल के कारण देश का प्रधानमंत्री बना हूं, बंगाल के कारण। भाई और बहनों, बंगाल का भला ये भ्रष्टाचारी परिवारवादी तृणमूल कांग्रेस नहीं कर सकती, बंगाल का भला एक कम्युनिस्ट नहीं कर सकते, और कांग्रेस पार्टी तो तृणमूल के शरण में गई हुई पार्टी है, वो बंगाल का भला नहीं कर सकती। बंगाल को आगे ले जाने का काम, बंगाल को सोनार बांग्ला बनाने का काम केवल और केवल मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी कर सकती है और कोई नहीं कर सकता। भाई और बहनों, मुझे बताओ ये भ्रष्टाचारी ममता सरकार को हटाओगे? जोर से बोलो अंत तक, भ्रष्टाचारी ममता सरकार को हटाओगे? 24 में मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाओगे? 26 में 2/3 बहुमत से भाजपा सरकार बनाओगे? घुसपैठ रोकनी है? जोर से बोलिए, घुसपैठ रोकनी है, सीएए लाना है, भ्रष्टाचार रोकना है, सीमाएं सुरक्षित करनी है, बंगाल के गरीब का विकास करना है, बंगाल की अस्मिता वापस लानी है? अगर सब करना है तो उखाड़ कर फेंक दो ये ममता बनर्जी की सरकार को, और यहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाओ। मैं बंगाल की जनता को भरोसा दिलाकर जाता हूं कि बंगाल का विकास मोदी जी की सबसे बड़ी प्राथमिकता, बंगाल का विकास है। हमें एक ऐसी सरकार चाहिए जो मोदी जी को विकास करने के लिए अनुकूल भूमि तैयार करे। ममता बनर्जी मोदी जी को विकास नहीं करने देती है। भाई और बहनों, यहां कमल फूल की सरकार बनाइए, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा सरकार बनाइए, और 24 में फिर से मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाइए, यही मेरा आप सबसे अभ्यर्थना है। नमस्कार। मेरे साथ बोलिए, दोनों हाथ ऊपर करिए, जरा अंत तक, पीछे तक,
दोनों हाथ ऊपर करिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, वंदे 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 भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी।